दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भले ही एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन आज भी कई लोग वहाँ जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, और जो चीज उनको ये सोचने पर मजबूर कर देती है वो है वहाँ के जानवर। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जिनके डर से लोग वहाँ कदम रखने से भी डरते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक और जहरीले ऑस्ट्रेलियन जानवरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ग्रेट व्हाइट शार्क। दोस्तों ग्रेट व्हाइट शार्क ऐसा जीव है जिनके चंगुल में अगर कोई शिकार आ जाए तो फिर उसका बचना नामुमकिन होता है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही पहचानने का हुनर रखती है। इसके अलावा इनके पास बड़े जबड़े और कई सारे नुकीले दांत होते हैं जो कि मांस को टुकड़ों में बांटने के लिए ही बने होते हैं, और ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला बोलने के साथ साथ 1000 लोगों के ऊपर हमला करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया हुआ है। और इतना ही नहीं, इन्हें दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में नहीं रखा गया है, वो इसलिए क्योंकि शार्क उन मछलियों में आती हैं जिन्हें सांस लेने के लिए पानी में अपना मुंह खोलकर निरंतर तैरना होता है ताकि पानी उनके गिल्स के थ्रू पास होकर उन्हें ऑक्सीजन दे सके। और इसी वजह से ये शार्क एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल करती है। अब क्योंकि एक्वेरियम में कम स्पेस होने के कारण इन्हें सफोकेशन होने लगती है, जिस वजह से ये एक्वेरियम में खुद को लड़ाकर चोट पहुंचाने लगती हैं और कभी भी उसे तोड़ के बाहर भी आ सकती हैं। फनल वेब स्पाइडर। दोस्तों आमतौर पे देखा जाता है कि मादा मकड़ियां ज्यादा जहरीली और खतरनाक होती है, लेकिन फनल वेब स्पाइडर के मामले में ये उल्टा है। इस प्रजाति में नर मकड़ियां ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये मकड़ी अगर किसी इंसान को काट ले तो सही समय पर इलाज ना मिलने की वजह से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। वैसे इनका जहर इंसानों में धीरे और छोटे बच्चों में ज्यादा तेज फैलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये किसी छोटे बच्चे को काट ले तो उसकी स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। आपको बता दूं कि इस मकड़ी के काटने से मौत के मामले पहले भी आ चुके हैं। हालांकि 1981 में इस मकड़ी के जहर का तोड़ खोज निकाला गया था, जिसके बाद अभी तक कोई भी मौत दर्ज नहीं हुई है। दोस्तों ये मकड़ियां ज्यादातर दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप में पाई जाती हैं। एकिडना। दोस्तों ये एक इतना यूनिक जानवर है कि इसके पास पक्षियों की तरह चोंच होती है, कंगारू की तरह थैली होती है, और ये रेप्टाइल की तरह अंडे भी देता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस जानवर को एकिडना नाम से जाना जाता है। दीमक और चींटियां इनका पसंदीदा भोजन है। हम आपको बता दें कि एकिडना अंडे देने वाले स्तनधारी हैं और साथ ही दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से सबसे एक है। भले ही इनके शरीर पे शार्प स्पाइन होते हैं, मगर दोस्तों इनका इस्तेमाल ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए करते हैं। खतरा महसूस होने पर ये अपने आप को रफ शार्प स्पाइन बॉल के रूप में तब्दील कर लेते हैं। दरअसल इनके शरीर पर मौजूद स्पाइन्स कुछ और नहीं बल्कि बाल होते हैं, और ये वास्तव में लंबी सख्त और खोखले बालों के रोम होते हैं। शुगर ग्लाइडर। दोस्तों गोल गोल बड़ी काली आंखों वाले शुगर ग्लाइडर भी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। गिलहरियों की तरह दिखने वाला यह जीव पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, और ये पेड़ों पर बनी खोखली जगहों में आराम करते हैं। इन जगहों को ट्री होलोस कहा जाता है। और रही बात इनके नाम की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मीठे पदार्थ को खाने की वजह से और हवा में ग्लाइड करने के कारण इनका नाम शुगर ग्लाइडर पड़ा है। टाइपन स्नेक। दोस्तों टाइपन स्नेक का जहर इतना जानलेवा होता है कि शिकार महज 30 मिनट के अंदर अंदर ये दुनिया छोड़ के निकल लेता है, और यही वजह है कि टाइपन ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक जानवरों में से सबसे एक है। इनका महज एक बूंद जहर भी 100 हट्टे कट्टे इंसानों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है, इसीलिए इनका सामना ना करने में ही आपकी समझदारी है। आपको बता दूं कि इनका जहर कुछ जानलेवा जहरों के मिश्रण से बना हुआ होता है जो कि इंसान को अपाहिज बना देता है और उनकी मांसपेशियों को बर्बाद करके रख देता है। जियोग्राफर कोन स्नेल। दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग शायद इस सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर कैसे ये छोटा जीव ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक हो सकता है, पर मेरे हिसाब से तो आपको हैरान होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ बात ऑस्ट्रेलिया की ही हो रही है और ऑस्ट्रेलिया खतरनाक जानवरों के मामले में सबका बाप है। दरअसल दोस्तों ये स्नेल कोई मामूली स्नेल नहीं है, ये दुनिया के 500 स्नेल्स की प्रजातियों में से सबसे जहरीला स्नेल है जिसके नाम कई लोगों की मौत दर्ज है। इनका जहर कुछ 100 अलग अलग जहरों से मिलकर बना हुआ होता है, और ये 5 से 8 घंटे में ही शिकार का काम तमाम कर देता है। पाइथन्स। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक विकसित देश है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया के 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अपनी अर्थव्यवस्था के अलावा ये देश सबसे अधिक सांपों की आबादी रखने के लिए भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाइथन की 14 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि पूरी धरती पर मौजूद पाइथन की प्रजातियों का आधा हिस्सा है, और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया को पाइथन्स का घर भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन पाइथन लगभग 116 किलोग्राम वजन और लगभग 7 मीटर की लंबाई तक होते हैं, और जब कोई शिकार इनकी चंगुल में फंस जाता है तो उस शिकार का इनसे बचकर भाग पाना लगभग नामुमकिन होता है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस।
दोस्तों समुद्री जीवों में शामिल ऑक्टोपस एकमात्र ऐसा जीव है जो कि अपनी शारीरिक बनावट के चलते काफी खतरनाक लगता है, जिनके 8 पैर होते हैं। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में ऑक्टोपस की करीब 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे जहरीला ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस होता है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि ये किसी भी इंसान को 30 सेकंड में मौत के घाट उतार सकता है। दोस्तों आप सभी ने साइनाइड का नाम तो सुना ही होगा, जिसे खाते ही इंसान कुछ सेकंड्स के अंदर ही मर जाता है। इसीलिए आपको बता दूं कि इस ऑक्टोपस की जहर में भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके एक बार काटने पर 20 इंसानों के मारने जितना जहर निकलता है। और आपको ये भी बता दूं कि इसके जहर में टेट्रोडोटॉक्सिन पाया जाता है, जो कि एक जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन है। स्टोन फिश। दोस्तों अगर मैं आपके सामने इस मछली को रख दूं और एक पत्थर को रख दूं, तो यकीन मानिए आप धोखा खा जाएंगे इस मछली को पहचानने से। और इसकी इसी खासियत के चलते इसका नाम स्टोन फिश है। स्टोन फिश दुनिया के सबसे जहरीले और घातक मछलियों में से एक है, जो कि एशिया के इंडो पैसिफिक में पाए जाते हैं। इसकी खास बात तो ये है कि ये समुद्र तल पर एक पत्थर की तरह लगती है, और इसी वजह से इसका नाम स्टोन फिश रखा गया है। समुद्र की गहराइयों में इस फिश को ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये चट्टानों के बीच में छुपी हुई है। इन मछलियों का जहर इतना ज्यादा जहरीला है कि इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अगर इस मछली ने किसी हट्टे-कट्टे जवान आदमी को काट लिया, तो एक घंटे के अंदर उस इंसान की मौत हो सकती है। और इन सब बातों के अलावा इस मछली की एक और खासियत है, वो ये कि ये मछली कभी भी अपना जहर शिकार करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती है। ये उसका इस्तेमाल तभी करती है जब इन्हें लगता है कि अब इनका शिकार हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ये फिश ना कि पानी में बल्कि पानी के बाहर भी 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है। कील बैक स्नेक। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जहरीले सांप के बच्चे भी जहरीले ही होते हैं, और ऐसे में उन्हें पैदा होने के बाद ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं जो सांप जहरीले नहीं होते, उनके बच्चों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों जो सांप जहरीले नहीं होते, वो प्रेगनेंसी के वक्त में जहरीले मेंढकों को खाते हैं। उदाहरण के लिए आप टाइगर कील बैक स्नेक को ही ले लो। ये सांप प्रेगनेंसी के टाइम पर बस जहरीले जीवों को ही खाते हैं, ताकि जहर इकट्ठा हो सके। जहर इकट्ठा करने के बाद वो उसे अपने अंडे में डाल देते हैं, ताकि उनके बच्चे भी जहरीले पैदा हो जाएं। ये सांप जितने दुर्लभ होते हैं, उससे कहीं बढ़कर जहरीले भी होते हैं। इनके अंदर मौजूद जहर अगर किसी इंसान के अंदर चला जाए, तो महज 20 से 24 घंटे में उसकी मौत तय है। तो दोस्तों ये थे ऑस्ट्रेलिया देश के कुछ जानलेवा जानवर। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।